लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे बचा लीजिए आप ही, मुझे बचा लीजिए। कौन हो तुम? क्या हुआ? मैं सबीना हूँ आप ही। वो कसाई मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है, मुझे बचा लो। अरे तुझे तो अल्लाह भी नहीं बचा सकता बेशर्म, तेरे बाप ने तेरा निकाह मेरे साथ किया है। बेचा है मेरी मर्जी के खिलाफ, मुझे बेचा है। बेचा है? हाँ हाँ बेचा है, मैं इसका बाप हूँ। तुमसे मतलब? तुमने अपनी बेटी को बेचा है? तुम आदमी हो या हैवान? एमएम साहब, आप अपनी नेतागिरी अपने घर में रखिए, ये मेरी बेटी है, मैंने इसे पाला पोसा है, मैं इसका कुछ भी करूँ? हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाली आप कौन? ये मेरी जरखरी चोरू है। अच्छा, कितने में खरीदी है तुमने ये जोरू? 10,000 दिए हैं मैंने इसके, हराम शादी। चल, अरे तेरे होश को मैं ठिकाने लगाता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें 15,000 रुपए देती हूँ, छोड़ दो इसे। वाह, लाखों की जोरू को 15,000 में छोड़ दूँ? मेम साहब, मैंने इससे निकाह किया है और इससे लाखों कमाऊंगा। आप तो क्या, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। चल घर। रुक जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर खान। खान तो मैं भी हूं, इंस्पेक्टर खान, लेकिन तुम खान नहीं हो सकते, क्योंकि खान कभी औरत को भाजी तरकारी की तरह खरीदा बेचा नहीं करता। सच्चा मुसलमान औरत की इज्जत करता है, तुम्हारी तरह उसे मिट्टी में रौंदा नहीं करता। बेटी, तुम्हारी उम्र क्या है? जी 17 साल। झूठ बोल रही है ये हरामजादी, इसकी उम्र 20 साल है। नहीं सर, ये देखिए, ये मेरे कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें मेरी जन्म तारीख लिखी हुई है। हाँ, तुम दोनों गुनहगार हो। मैडम, आप सबीना को संभालिए, मैं इन दो बदमाशों को संभालता हूँ। चलो मेरे साथ, चलो चलो। आप ही? रो मत सबीना, अब डरने की कोई बात नहीं। बेचा है, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे बेचा है। वंशी कह रहा तो तुझे रुपए चाहिए अपने पति के इलाज के लिए। बात है मुकादिम, ये भीड़ कैसी है? जी वो मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग तोड़ू दस्ते का इंचार्ज हूँ। तो ये हमारी बिल्डिंग तोड़ने आए हैं। ये कैसे हो सकता है? सेठ जी, ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये जमीन मैंने कानूनन खरीदी है, मेरे पास सेल्स डीड है। इस 5,000 गज के प्लॉट में से सिर्फ 500 गज जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पर है। 500 गज? ये कैसे हो सकता है? बाकी 4,500 गज मिस्टर सक्सेना के नाम पर है। आप 48 घंटे के अंदर अपना क्लेम साबित कीजिए, वरना ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। क्या लीजिए? ये क्या? ये नोटिस है, इस पर साइन कीजिए। अरे पर ये कैसे? आप साइन कीजिए, सरकारी नोटिस है, उस पर साइन तो करना ही पड़ेगा। 48 घंटे है ना हमारे पास। लीजिए, आप साइन कीजिए, आप साइन कीजिए जी। ये लीजिए। ओके लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। चलो ये आप कुछ सोचिए नहीं सेठ जी, कुछ कीजिए। ये बिल्डिंग टूटने वाली है, किस्मत फूटने वाली है, लक्ष्मी रूठने वाली है, उसे मनाइए। पर कैसे? अरे किसी नेता वेता के पास जाइए, उसे कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए, उसकी हथेली पे सरसों जमाइए। अरे हाँ, हमारे इस इलाके का वो नया काउंसिलर है ना भैया गौरीशंकर, उसके पास जाइए। गौरीशंकर?
ओई गवाना तोहरी अंदरी चाल में उजियारा। हाँ दादा, बिजली तो आ गई, अब जरा सड़किया भी ठीक ठाक हो जाए तो। धीरे धीरे रे मना, सब कुछ होए, अब सड़क भी बन जाएगी, अब चला। अच्छा दादा, जय सियाराम। जय सियाराम, चला चला। अरे गिरधारी लाल सेठ, अरे वहां का करो तो आओ, हमारे बगल में आओ। अरे डरो मत, हम दबाएंगे नहीं। गौरीशंकर जी, मैं तो सचमुच दब चुका हूं। क्या कहते? अरे आपने तो आज तक दबाया ही दबाया है, सरकारी जमीन से लेकर मजदूर की गर्दन तक सालों से दबाते ही चले आ रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो जनता का सेवक हूँ, इसलिए इलेक्शन में भी मैंने आप ही को वोट दिया था। जी, ये कैसे हो सकता है? हमारे वार्ड की वोट लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं। कौनो बात नहीं, यहाँ कैसे आए? जी ये देखिए, ये मैंने 5000 गज का प्लॉट खरीदा था और ये उसका अग्रीमेंट है और ये उसकी रजिस्ट्री है। ताओ? मैं उस पर एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। ताओ? म्युनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं कि वो बिल्डिंग इलीगल है, यानी कि गैर कानूनी है। ताओ? वो उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं। ताओ? ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है, जुल्म है ना। मैंने पूरे 5000 गज जमीन का प्लॉट खरीदा था उनसे और वो कहते हैं कि। क्या बोला थे? वो बोलते हैं कि 5000 गज जमीन नहीं, 500 गज जमीन का प्लॉट खरीदा था। 500 गज जमीन को 5000 बना लिया, मतलब 1-0 बढ़ा लिया। नहीं नहीं, मैं ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं। गलत बात है, गलत बात है। ये शून्य से खिलवाड़ करने वाले शून्य में मिल जाते हैं। गौरीशंकर जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये देखिए पेपर्स। अरे हमारे देखने से क्या होगा, चलिए इस काम के लिए आपको हम शून्य में ले चलते हैं। शून्य? ये शून्य कहाँ है? जहां सब खाली हो जाते हैं। चलिए, जय भोले शंकर। आइए 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 आइए। जानकी देवी, देखो कौन आए हैं। शहर के नामी बिल्डर हैं सेठ गिरधारी लाल। हाँ, लगता है आपसे पहले कहीं मुलाकात हो चुकी है। बड़े कीर्तिमान, धनवान और चरित्रवान व्यक्ति हैं। बड़े परोपकारी हैं। सुना है कि किसी की मजबूरी देख नहीं सकते। हाँ, मैंने तो सुना था कि ये घर बुला के मदद करते हैं। क्यों सेठ जी, गरीबों का कोई हमदर्द हो तो आप जैसा। गौरीशंकर, गिरधारी लाल जी के तो सारे शहर में बुत लगने चाहिए। लेकिन इस वक्त तो इनके बुत टूट रहे हैं। वो कैसे? म्युनिसिपैलिटी ने नोटिस भेजा है। कैसा नोटिस? मेरी बिल्डिंग तोड़ने का। कौन सी बिल्डिंग? एक काम कीजिए, ये कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, तब तक हम एक जरूरी फोन करके आवाते हैं। अरे जानकी, तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम ही वो जानकी देवी हो जिसकी सारे शहर में जय जयकार है। अरे वाह, क्या नाम कमाया तुमने। मुझे पता होता तो मैं इतने दिन तक तुमसे दूर थोड़े ही रहता, और फिर पुराने संबंध टूटते थोड़ा ही है। कमीने, तेरे साथ तो एक ही संबंध है मेरा, दुश्मनी का संबंध। अब देखना मैं इस संबंध को कैसे निभाती हूँ। जानकी, जू पाले स्कीम में मेरा 5000 गज का एक प्लॉट है। 5000 नहीं, 500 गज। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है, क्योंकि 4500 गज सक्सेना साहब का है। अपने सक्सेना साहब? अरे तब तो कोनो चिंता नहीं। जानकी देवी, आपने सक्सेना साहब को बोल के वो प्लॉट इस गिद्ध, मेरा मतलब इस गिरधारी लाल सेठ को दिलवा दीजिए, नहीं तो इस बेचारे को जेल जाए क्या पड़ी। जेल? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे काहे नहीं हो सकता। क्यों? जौन लोग तो हर बिल्डिंग में फ्लैट बुक किए हैं, वो क्या तुमको छोड़ेंगे? जेल भिजवा के दम लेंगे। हाँ, मुझे मुझे बचा लो जानकी। जानकी देवी कहा? जानकी देवी, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। घबराइए मत, मैं आपको बचा लूंगी, कोई आपकी बिल्डिंग नहीं तोड़ेगा, आप इतने नाम से जाइए जाइए जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। गौरीशंकर, कल शाम 4 बजे। नो प्रॉब्लम।
अरे सुनिए सुनिए सेठ जी, घर से निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही हो। हमारे पैसे वापस करो। आ जाएंगे कह रहा हूँ, देखिए आ गए सेठ जी। क्या बात है, क्या हुआ? चोर, फ्रॉड, हमारे पैसे वापस करो। दूसरों की जमीन को अपनी जमीन समझता है, धोखेबाज। यू चीट, हम 5-5 लाख रुपए दे चुके हैं, 30 का 30 लौट कर सब पैसे वापस करो। शांति 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 शांति, आप लोगों को आपके फ्लैट्स का पोजेशन मिलेगा। हमें नहीं चाहिए फ्लैट, ये हमें गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सुनिए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनिए सुनिए, आपको पैसे चाहिए ना? हाँ, तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। मुकादम 1.5 करोड़ रुपए का सवाल है, अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमें रुपया नहीं मिला तो ये बिल्डिंग तो म्युनिसिपलिटी बाद में तोड़ेगी, पहले हम सब मिलकर तुम्हारा और गिरधारी लाल का मुंह तोड़ देंगे। चलो भाइयों, सेठ जी मामला बहुत गंभीर हो चुका है, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे कहो जी कि बिना लगाम के घोड़े हो गए जमीन के भाव, रुकते ही नहीं, भागे ही चले जा रहे हैं। जानकी देवी, 3 करोड़ के प्लाट की कीमत 9 करोड़ हो गई है आज। 9 करोड़? आपका कहने का मतलब ये है कि उस 4,500 गज जमीन के गिरधारी लाल जी को 9 करोड़ देने पड़ेंगे? अरे 9 गिरधारी लाल भी बिक जाए तो भी 9 करोड़ रुपया नहीं आएगा। हाँ, लेकिन गिरधारी लाल जी, इस समस्या का कुछ तो हल निकालना पड़ेगा हमको। सक्सेना साहब जी, आपने कितने में जमीन खरीदी थी? जी 3 करोड़ में, 1 साल पहले। 1 साल पहले ना, 1 साल में 1 करोड़ का फायदा काफी है। गिरधारी लाल जी, ऐसा कीजिए 4 करोड़ में सौदा कर लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम अगले साल 11 करोड़ में बेचेंगे। अरे अरे सक्सेना साहब, बैठिए, तनिक बैठिए बैठिए बैठिए। कहा है के तोहर कोनो साख है कि नहीं? नाम डूबने से तो बेहतर है कि ससुरा समंदर में जा डूबो। अरे का फायदा है जिंदा रहे का? आते जाते लोग बेईमान बोले, चोर बोले, सुबह शाम आपके मुंह को कचरे का डिब्बा बनाकर थूके। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, बंद्रा कुल्ला रोड और जोगेश्वरी का प्लॉट आप इनके नाम कर दीजिए, वो प्लॉट आपके नाम हो जाएगा। अरे क्या सोच रहे हैं, लीजिए लीजिए, 10 कट कीजिए। लेकिन मैं, लेकिन मैं, लेकिन मैं कैसे? अब गिरधारी सेठ हो गए शून्य, और का हो गए चिंता से मुक्त, और चित्त हो गया इनका प्रसन्न।